अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? खैरियत? तो आज लाए नेक्स्ट चैप्टर में टॉपिक, नया टॉपिक जो अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स है। हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट में जो टॉपिक से सिग्निफिकेंट फिगर्स, इससे पहले हमने प्रीफिक्सेस है, यूनिट क्या है, फिजिक्स क्या है, ये सब हमने पढ़ लिए। आज टॉपिक है अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डॉटफुल डिजिट इन अ मेजरमेंट आर नाउन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने के लिए लेट सपोज वी एग्जाम्पल, ये है एक मीटर रॉड, हमारे पास एक मीटर रॉड है, मीटर रोल है, यहां से इसके ऊपर हम कैलिब्रेशन करते हैं। लेट ये 7, ये 8 है, फॉर एग्जाम्पल, ये यहां मीटर रोल 1, 2, 3 से स्टार्ट, इसके बाद भी है, मींस वी हैव मीटर रोल फ्रॉम 1 to 100 सपोज सेंटीमीटर। अब किसी बंदे ने इस मीटर रॉड से मेजरमेंट लिए, किसी इंसान ने इस मीटर रॉड से मेजरमेंट लिए, वो हम यहां पर लिखते हैं। लेट उसका जो मेजरमेंट है वो यहां तक है, यहां से तो 1 से लेकर ये 7 यहां तक आ गया। अब अगर मैं उस बंदे ने जो एक्सपेरिमेंट किया, इसने ये मेजरमेंट किया, उसने लिखा है लेट्स सपोज 7.5, लेट्स बी से 6 सेंटीमीटर। इस बंदे ने जो एक्सपेरिमेंट की है वो मीटर रोल से किए, वो बोल रहा है कि इसके जो लेंथ है ये 7.56 सेंटीमीटर है। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि क्या ये एग्जैक्ट, मतलब वो बंदा गया एक्सपेरिमेंट किया है, उसने सिर्फ कीमत लिखी है, बताए क्या ये 7.56 सेंटीमीटर एग्जैक्ट कीमत है? अगर आप इस रॉड को देखें, आप मीटर रॉड से मेजर करें, तो क्या ये 7.56 सेंटीमीटर एग्जैक्ट है? आप में से बास स्टूडेंट्स बोलेंगे कि जी हां, क्योंकि 7.5, ये देखिए 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, इट मींस यहां पर जो उसने मेजरमेंट लिए हैं 7.5 तो सही है, लेकिन ये 6 आप देखें, क्या ये 7.56 है? कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि जी हां, कुछ बोलेंगे कि शायद ये 7.6 ना बल्कि 7.55 हो, 7.54 हो, 7.57 हो। क्यों? क्योंकि इस और इस लाइन के दरमियान यहां पर और रीडिंग्स नहीं है। अगर यहां पर और रीडिंग होते तो हम इन रीडिंग्स को देखकर ये कंफर्म करते कि क्या ये 7.56 से 4 है। मतलब यहां पर जो बंदा, जो स्टूडेंट इस मेजरमेंट को देखेगा, वो कहेगा कि ये 7.5 तो सही है, ये तो कंफर्म है, 7.5 इज कंफर्म इन दिस मेजरमेंट। लेकिन जो डाउट है, जो शक है, वो किस नंबर में? वो 6 में। क्यों? कोई बोल रहा है कि ये 6 नहीं है, ये 5 है, कोई 4 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है, कोई 7 बोल रहा है, मतलब हर बंदा 7.5 पर एग्री है कि हाँ ये तो 7.5 है, लेकिन इस 6 में मसला है। यानी शायद ये 6 हो, शायद 7 हो, शायद 8 हो, शायद 4 हो, मींस दे आर नाउट नॉट श्योर अबाउट 6, बट ऑल द स्टूडेंट्स आर श्योर अबाउट 7.5। तो जो मेजरमेंट में, जिस मेजरमेंट में आप जिन नंबर्स के बारे में 100% श्योर हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स। जो हमें मालूम है इनको हम क्या बोलते हैं? एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स। लेकिन जो बंदा जिस मेजरमेंट में डाउट रहता है, यानी वो बोल रहा है शायद 6 हो, शायद 5 हो, शायद 3 हो, इसको हम बोलते हैं डाउटफुल
डिजिट। अब किसी भी मेजरमेंट में ये जो एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स है और ये जो डाउटफुल डिजिट होते हैं, इनको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या बोलते हैं हम इनको? सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो लिखा ऊपर है द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स, मतलब ये, एंड द फर्स्ट डाउटफुल। याद रखना, अब अगर आप इन रीडिंग्स को ओपन करें, सपोज मैं इसको यहां पर बड़ा करके बनाता हूं लाइक दिस लेट, तो लेट इसका रड जो है वो यहां तक आया, मतलब ये 1 2, चलिए इस तरह बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह। अब रड यहां तक है, इट मींस 7.6 तो कंफर्म है, 7.6 है, लेकिन बाद में फिर भी क्या है, फिर से मसला है। ये देखिए 6 लाइन और फिर के दरमियान लाइन करता है, मतलब 6 के बाद भी क्या हो सकता है, हमें डाउट हो सकता है, लेकिन चूंकि मीटर रॉड में ऐसे नहीं होते, सिर्फ ये लाइंस होते हैं जिनको हम मिलीमीटर बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इस मेजरमेंट में ये जो 6 है वो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है। तो जिस मेजरमेंट में आप जो एक्यूरेटली नाउन डिजिट देते हैं और जो डाउटफुल डिजिट होता है, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, इनको मिलाकर हम इनको क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ऊपर लिखा है द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन अ मेजरमेंट आर नाउन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। अब किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, मालूम करने के लिए हमें कुछ रूल्स चाहिए। अगर के कोई बंदा नोट करना चाहते तो नोट कर दे, वरना इसकी जरूरत नहीं है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को मालूम करने के लिए वी हैव रूल्स, मेरे पास क्या है, रूल्स है। अब जो रूल नंबर 1 है वो बोल रहा है मैं कि किसी भी मेजरमेंट में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है, किसी भी मेजरमेंट में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है, इन सब को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोल सकते हैं। क्या लिखते हैं हम, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब किसी भी मेजरमेंट में जो नॉन जीरो होते हैं, मतलब 1 से लेकर 9 तक, अगर 1 से लेकर 9 तक जो नंबर किसी भी मेजरमेंट में आ गए, तो आपने इनको काउंट करना है, वो सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लिखूं इसका, तो 2.345। अब इस मेजरमेंट में आप देखे, फिर इसको मीटर मान लेते हैं, आप देखे क्या इसमें जीरो मौजूद है, नहीं, ये 2, 3, 4, 5 सब क्या है, नॉन जीरो है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कितने, तो आप बताना कितने, 1, 2, 3, 4, देर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर क्या, सिग्निफिकेंट। इसका पहला रोल है। अब नॉन जीरो तो क्लियर, मसला है जीरो में, तो हम बनाते हैं रूल नंबर 2 फॉर 0। अब लिखते हैं जीरो में और may not be significant। ये जो जीरो हम बनाते हैं, शायद जीरो सिग्निफिकेंट हो, शायद नहीं। अब कब सिग्निफिकेंट है कब नहीं है, ये लिखते हैं। तो इस रूल में हम बनाते हैं रूल नंबर ए, यानी रूल नंबर 2 में बनाएंगे रूल नंबर ए। रूल नंबर ए है, जीरोस इन बिटवीन नॉन जीरोस इज या आर सिग्निफिकेंट। यानी अगर दो नॉन जीरो के दरमियान जीरो आया, अब कंफर्म तो है कि नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है, तो अगर दो नॉन जीरो के दरमियान जीरो आया तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट है। एग्जांपल 2.003। अब ये देखे टू नॉन जीरो, थ्री नॉन जीरो, अब नॉन जीरो तक कन्फर्म है क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो अगर दो नॉन जीरो के दरमियान जीरो आया तो भी क्या है,
सिग्निफिकेंट है। अब 2, 3 तो कन्फर्म है, क्या सिग्निफिकेंट है, तो 0 भी क्या बना भी, मतलब देर आर फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स, देर आर फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर 0 इन बिटवीन नॉन जीरो आया तो 0 भी क्या है, वो भी सिग्निफिकेंट है। रूल नंबर बी, टू मी रूल नंबर बी, अगर हम लिखेंगे 0 ऑन लेफ्ट साइड ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, अगर एग्जाम्पल लेते हैं 0.00903, हम बोल रहे हैं इस रूल में, हम तो नहीं रूल बोल रहे हैं कि नन जीरो के अगर लेफ्ट साइड पर जीरो आया, इट मींस यहां पर पॉइंट भी तो मौजूद है, अगर नॉन जीरो के फर्स्ट नॉन जीरो के, ये क्या लिखा है, फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट साइड पर जीरो आया, तो उस जीरो को आपने काउंट नहीं करना है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है, दैट जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट। इफ जीरो कम्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो, देन दिस जीरो इज नॉट काउंटेड। सो वी हैव ओनली इन दिस एग्जांपल, हमारे पास कितने सिर्फ अब 9, 3 तो सिग्निफिकेंट है। अब इस रूल के मुताबिक अगर जीरो इन बिटवीन आया, अभी क्या है, वो भी सिग्निफिकेंट है, तो ये जीरो तो इन बिटवीन है, तो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर जीरो फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट साइड पर आया, क्या लेफ्ट साइड पर, तो ये जीरो काउंटेबल नहीं है, तो सिर्फ क्या, सिर्फ क्या है हमारे पास, ये 903। ये है रूल नंबर 2 में रूल नंबर बी। अब नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, एरेज करते हैं 1, 2, 3। अब अगर रूल नंबर 2 में रूल नंबर सी बनाते हैं, अगर लिखे 0 ऑन राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट आफ्टर डिसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। क्या बोल रहे हैं, ये एग्जांपल लेते इसके, फॉर एग्जांपल 9.300, हम कह रहे हैं कि अगर फर्स्ट नॉन जीरो, ये नॉन जीरो के राइट साइड पर जीरो आया, लेकिन पॉइंट था, यानी इस नंबर में पॉइंट मेंशन था, और ये जीरोस पॉइंट के बाद है, ये देखिए यहां पर तो बी जीरो पॉइंट के बाद है, लेकिन लेकिन नॉन जीरो से पहले लेफ्ट साइड पर है, पर हम बोल रहे हैं कि जीरो राइट लेफ्ट पर नहीं होना चाहिए, फर्स्ट जीरो के कहां पर होना चाहिए, राइट साइड पर। तो अगर जीरो राइट साइड पर आ गए और पॉइंट था, इस नंबर में पॉइंट मेंशन था, तो याद रखना ये जीरो भी क्या है, ये भी सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए, ये नाइन तो नाइन जीरो है, अब ये जीरो तो नाइन जीरो के राइट साइड पर आए, लेकिन पॉइंट भी तो मौजूद है, तो इन जीरो को आपने क्या करना है, काउंट करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, सो देर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर नॉन जीरो के राइट साइड पर आया और पॉइंट भी मौजूद है, तो ये जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट है, आपने इनको काउंट करना है। ये है रूल नंबर सी। रूल नंबर डी, अगर इफ जीरोस आर ओल नंबर, ओल नंबर से मुराद है कि जीरोस लास्ट में लेकिन नो डिसिमल पॉइंट मेंशन नहीं है, तो नॉट सिग्निफिकेंट, फिर ये जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर मेयर इज दिस वन, अब एग्जांपल लेती है इस रूल के, हम बोल रहे हैं लेट एग्जांपल, अब यही वाला एग्जांपल है लेकिन पॉइंट नहीं है,
इसमें पॉइंट नहीं है। अब फिर जीरोस क्या है, राइट साइड पर है, लेकिन लास्ट में होल नंबर है तो पॉइंट नहीं है। तो अगर पॉइंट नहीं है और कंडीशन ये था, तो फिर राइट साइड पर जो जीरोस है इनको आपने काउंट नहीं करना है, सिर्फ ये है टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओनली टू। अगर जीरो राइट साइड पर आया लेकिन होल नंबर था, मतलब पॉइंट मेंशन नहीं था, तब इन जीरोस को आपने काउंट, और अगर जीरो बी राइट में था, आखिर में था, लेकिन पॉइंट मेंशन, तो देन दी जीरोस आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट, और अगर पॉइंट नहीं तो नॉट कंसिडर्ड। ये था हमारा रूल नंबर डी इन टू। रूल नंबर थ्री, पावर इज नॉट सिग्निफिकेंट, पावर इज नॉट सिग्निफिकेंट, पावर सिग्निफिकेंट नहीं है, पावर इज नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल, 3 to 10 raised power 6 meter। अब ये जो पावर है, पावर को आपने काउंट, पावर इज नॉट सिग्निफिकेंट, पावर सिग्निफिकेंट, तो फिर क्या रह गए, 3 to, यानी देर आर ओनली टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। So, हम बोल रहे अगर पावर आया तो पावर सिग्निफिकेंट नहीं है। अब इसके पहले जो भी रूल्स है आप वही अप्लाई करें, बताए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो ये था हमारा टॉपिक, हमारा लेक्चर आज का अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो हमने कहा कि किसी मेजरमेंट में जितने भी एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स है और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, इनको हम इकट्ठे तौर पर क्या बोलते हैं, इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इनकी जो रूल्स है, आल नल जीरो क्या है, जीरो क्या है, पावर क्या है, सब के सब हमने आपके सामने एक्सप्लेन की। तो कीप ऑन स्टडिंग टिल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।